हेलो एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद। आज 7 जुलाई है, इट्स 7 AM, थोड़ा लेट हो गया है। सो लेट्स डिस्कस क्या निफ्टी का व्यू आज बनता है। जैसा हम लोग निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद में करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग लेट्स गो बियॉन्ड न्यूज़। हम लोग न्यूज़ डिस्कस नहीं करते, हम लोग सिर्फ डेटा डिस्कस करते हैं। किस तरह का निफ्टी का पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, किस तरह का ऑप्शंस का डेटा है और अदरवाइज डेरिवेटिव्स का डेटा है, किस तरह की स्टॉक कैश में एक्टिविटी है और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हमको दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं और एक व्यू बनाने की निफ्टी पे कोशिश करते हैं। तो कल सुबह हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, इनफैक्ट परसों संडे को क्या डिस्कस किया था कल 6 जुलाई के लिए, वो ये डिस्कस किया था कि 10,607 पर 10,607 के लगभग क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को और ये निफ्टी अब उसके ऊपर ही चलेगा। 10,645 का जो लेवल है वो ब्रीच हो जाएगा और 10,745 के बीच में कहीं क्लोजिंग या उसके ऊपर कहीं क्लोजिंग आएगी। तो हमने देखा उसी जोन में क्लोजिंग आई 6 जुलाई को। तो काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ये लिखा सोशल मीडिया पर कि आपका व्यू ठीक चला। और इससे क्या हुआ, लगातार व्यू ठीक चलने से कई बार क्या होता है, आप थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं अपने डेटा एनालिसिस में और एक चांस रहता है आपका एनालिसिस गलत होने का। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो कंप्लेसेंसी मेरे काम में ना आए, मेरे एनालिसिस में ना आए, मैं इमोशंस को दरकिनार करूं और केवल डेटा को एनालाइज करूं और एक बार ये एनालाइज करने की कोशिश करूं कि क्या अब इंडेक्स के ऊपर मूवमेंट आएगा। देखते हैं डेटा। सबसे पहले FII ने स्टॉक कैश में 348 करोड़ का बाय किया है, DII ने 263 करोड़ का बाय किया है। तो नेट कैश 611 करोड़ का बाय आया है। बहुत दिनों बाद DII का 263 करोड़ का बाय आया। DII लगातार लेटली सेल कर रहा था और FII का बाय 348 करोड़ का थोड़ा सा कम है, दूसरे दिन बाय आया, लेकिन मैं इस चीज से बहुत एक्साइटेड नहीं हूं क्योंकि थोड़ा सा जो बाय है वो कम हो गया है ऊपर के लेवल पर। मैं थोड़ा सा और ज्यादा बाय आता थोड़ा ज्यादा खुश होता, बट कोई बात नहीं। अगर अब हम इंडेक्स फ्यूचर्स का, इंडेक्स ऑप्शंस का पहले डेटा देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया है, FII ने 704.33 करोड़ का बाय किया है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी 806 करोड़ का बाय किया है। बहुत स्ट्रांग बाइंग है। क्या दिखाता है, FII बहुत बुलिश है डेरिवेटिव्स में। पोजीशंस देखिए, FII ने 12.66% लॉन्ग पोजीशन इंक्रीज किए हैं और ये मैंने पहले भी डेटा शेयर किया था, 3 दिन से लगातार FII अपनी लॉन्ग पोजिशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में इंक्रीज कर रहा है। शॉर्ट पोजीशन 3.73% घटाई है, कहीं ना कहीं FII को ऊपर के लेवल दिख रहे हैं जाते हुए। सिमिलरली अगर मैं इंडेक्स ऑप्शंस में देखूं तो FII ने 20% लॉन्ग पोजीशंस और इंक्रीज की हैं और शॉर्ट पोजीशंस 11% इंक्रीज की हैं। ओवरऑल क्या दिखाता है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाय किया, इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाय किया, ओवरऑल इंडेक्स पोजीशंस, इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशंस भी बढ़ाई, इंडेक्स ऑप्शंस पोजीशंस भी बढ़ाई और इंडेक्स फ्यूचर्स में अब ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस 55.80% पर आ गई हैं FII की। FII बहुत बुलिश है। ये 348 करोड़ का बाय थोड़ा ज्यादा होता मैं थोड़ा ज्यादा खुश होता। मुझे प्रॉब्लम कहाँ है, मैं इस डेटा में मैं आपको शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई कि इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स ने, जो ओवरऑल अदर देन DII, FII और प्रोप्राइटरी डेस्क होते हैं, जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, उन्होंने घबराहट में 4% और लॉन्ग घटाया, 1% और शॉर्ट घटाया। मैंने पहले भी डेटा शेयर किया था, जब 5 जुलाई का किया था संडे को, 4th को, तो भी बोला था क्लाइंट्स घबरा रहे हैं ऊपर के लेवल पर, वो लॉन्ग पोजीशंस अपनी घटा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आई, क्लाइंट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट माइंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड माइंड नहीं होते हैं, कोई भी पोजीशन लेते हैं चलेगी नहीं चलेगी वो फिर श्योर नहीं होता, इतना कन्फर्म डेटा नहीं होता है। लेकिन FII वन माइंडेड लगभग जैसे होते हैं, सिंगल माइंडेड होते हैं, एक जैसा सोचते हैं शायद, और वहाँ पर उनका व्यू चलता है, उनका उनका जो एक्शन होता है वो काम करता है। प्रॉब्लम आई DII के डेटा में, DII ने 19% पोजीशन शॉर्ट की और ये पोजीशन रीजनेबल हैं। इसकी वजह से जो ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस हैं वो
6 जुलाई को 1.86% इंक्रीज हो गई, जबकि लॉन्ग पोजीशंस केवल 0.61% पोजीशन 61% इंक्रीज हुई। ये मेरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है क्लाइंट्स का विच एवर वे 15.5% शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स ऑप्शंस में बढ़ाई, 10.6% शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स ऑप्शंस में इंक्रीज की। DII ने फिर 5% पोजीशंस इंडेक्स ऑप्शन में यहां पर इंक्रीज की, तो 14% इंडेक्स ऑप्शंस पे पोजीशन इंक्रीज हुई शॉर्ट में, और 12.44% पोजीशंस लॉन्ग में इंक्रीज हुई। ये मेरा प्रॉब्लम है कि ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल सकता है। ऑड्स हमेशा ये होते हैं कि जो FII बोलता है, डेटा देकर के जाता है, होता वैसा ही है। तो FII बहुत बुलिश है, थोड़ा सा ये बाय ज्यादा होता और भी मुझे अच्छा लगता। तो डिस्कशन क्या हुआ, मैंने 5 जुलाई के लिए बोला था कि 10,530 10,560 बेस बन रहा है, और वो बेस अब बन गया। आज हम अभी हम निफ्टी ऑप्शन का ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। 10,640 10,675 जो है अब नया बेस बन रहा है, वो हम लोग आगे डेटा देखेंगे। और वो नया बेस मैं इस बेसिस पे ही बोल रहा हूँ, आप FII का डेटा देखिए, बहुत बुलिश है। जब तक FII का स्टॉक कैश का डेटा सेल में नहीं आता है, तब तक ये सारा डेटा आपको एक बुलिशनेस देता रहेगा और आप निफ्टी के ऊपर के लेवल देखते रह सकते हैं। तो ये बेसिकली निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा आपको बोल रहा है। अगर हम स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वो हमको क्या दिखाएगा। ओके, तो स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस का डेटा हमको क्या दिखा रहा है। स्टॉक यहां पर अगर हम देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर्स में 408.27 करोड़ का बाय हुआ है, स्टॉक ऑप्शन में भी 16 करोड़ का सेल हुआ है। ये कल भी 6 जुलाई के लिए भी सिमिलर डेटा था, स्टॉक फ्यूचर्स का बाय था, स्टॉक ऑप्शंस का सेल था, हैज पोजीशन बनी थी स्टॉक फ्यूचर्स में। अब देखते हैं आज 6 जुलाई को क्या हुआ है। 1% FII ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को इंक्रीज किया है स्टॉक फ्यूचर्स में, अब 70% लॉन्ग पोजीशंस हो गई हैं। अच्छा व्यू है, स्टॉक्स कैश में भी बाय है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1% और इंक्रीज किए पोजीशन, ओवरऑल 70% पोजीशंस लॉन्ग है, वंडरफुल। DII ने 2.34% लॉन्ग पोजीशंस को इंक्रीज किया है, शॉर्ट पोजीशंस को डिक्रीज किया है। ओवरऑल डेटा बहुत बुलिश है स्टॉक फ्यूचर्स के लिए। तो जो NSE FNO स्पेस के स्टॉक्स हैं जो एक अच्छे अप ट्रेंड में, उसमें आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, वो रैली चलती रहेगी। तो ये वो डेटा दिखाता है। स्टॉक ऑप्शंस में क्या है, क्लाइंट्स ने 9.61% पोजीशन शॉर्ट बढ़ाई है, 3.33% पोजीशंस लॉन्ग बढ़ाई है। मीन्स क्लाइंट्स को लग रहा है जो ओवरऑल कि कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस है, अगर स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो ऊपर स्टॉक ऑप्शंस को सेल करना बनता है, एक हेज पोजीशन बनाना बनता है। FII ने भी मोर और लेस लॉन्ग पोजीशंस को 5% बढ़ाया है और शॉर्ट पोजीशंस को 4.31% बढ़ाया है, लेकिन ये डेटा अभी भी बुलिश है। तो मैं इस सारे डेटा को क्लब करूं तो एक बहुत बुलिश व्यू मुझे स्टॉक्स में मिलता है। स्टॉक जो NSE FNO स्पेस के स्टॉक्स हैं, उसमें एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को हमको अभी भी मिलता रहेगा। तो ये चीज इंडेक्स को बहुत सपोर्ट करेगी, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी बहुत सपोर्ट ऊपर की तरफ करेगी। सो अगर इस डेटा को मैं ओवरऑल क्लब करूं तो क्या बनता है, निफ्टी PCR 1.6 आया है। 1.6 पहले भी मैंने लगातार 17th मई के बाद से शेयर किया है, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, 1.6 1.61 जब भी आ रहा है निफ्टी PCR, तो एक बार ऊपर के लेवल पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, एक बार ऊपर के लेवल से थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। ये बात आप पुराने डेटा में भी दिख रही है। इंडिया विक्स 27.58 आया है, बहुत कंफर्टेबल है, बुल्स बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि 10,560 जब से टूटा है, जो मैंने पहले भी शेयर किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। अब जब तक वो बेस अब नहीं टूटेगा, तब तक बुल्स का कोई कंट्रोल इस मार्केट पे रहेगा नहीं। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन 3.54 है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक 1.752 के लगभग था, कि ये आगे की तरफ बढ़ सकता है। आज 3.54 आया है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है 6 जुलाई के लिए, दिखाता है ओवरऑल निफ्टी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। तो ये डेटा हमको क्या दिखाता है, कॉशियसली बुलिश डेटा है आज के लिए। कॉशियसली वर्ड मैंने इसलिए यूज कर लिया क्योंकि ये एक जो
डीआईआई ने जो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई और ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स में क्लाइंट्स का भी बड़ा बेस होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस को काटा और ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस 1.86% बढ़ी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एफआई ने 12.66% लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ाया। मैं कॉशियसली बुलिश हूं, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक एफआई का स्टॉक कैश का डेटा सेल में नहीं आता तब तक ये मार्केट ऊपर की तरफ चलता रहेगा। जब तक ये इंडेक्स फ्यूचर्स का इस तरह का डेटा आ रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस रोज एफआई बढ़ा रहे हैं, मार्केट नीचे के लेवल्स नहीं देखेगा। तो ये कॉशियसली बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। लेवल्स क्या होंगे अभी मैं डिस्कस करता हूं। ऑप्शन चेन को देखते हैं, 10,500, 10,550। जिन लोगों ने भी मेरा 5th जुलाई का व्यू देखा है, जो मैंने 4th जुलाई को दिया था, मैंने एक चीज बोली थी कि 10,500, 10,550 जिसका पीसीआर उस वक्त 2 के लगभग था, ये पीसीआर जब 3-4 हो जाएगा तो एक स्ट्रांग बेस बन जाएगा और उस लेवल पे आपको स्ट्रांग पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। मैंने बोला था कि आपको 10,550, 10,600, 10,650 पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, वही हुआ है। अब जो है पुट का ओपन इंटरेस्ट 35 लाख है, जिसके अगेंस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट 7 लाख है। अब ये एक बेहद मजबूत बुल्स के लिए बेस बन चुका है, 10,530, 10,580। जब तक ये नहीं टूटेगा, बुल्स का कोई कंट्रोल इस बेयर्स का कोई कंट्रोल इस मार्केट पर रहेगा नहीं। इंट्राडे नॉइज रह सकती है जो हमेशा रहती है। 10,600, 10,650 इस जोन को अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, 22.52 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी 34.58 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 13.60 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, पीसीआर 2.54 है, एक सपोर्ट बन रहा है। अगर आज ये मार्केट 10,846, 10,865 के आस के रेंज में या उसके ऊपर क्लोज होता है तो ये पीसीआर आपको 4-5 के लगभग दिखेगा, तो नया बेस आपको 10,645, 10,675 बनता हुआ दिख सकता है। अगर ड्यूरिंग द डे एफआईआई ने अपनी पोजीशन और स्ट्रांग की इंडेक्स फ्यूचर्स में और क्लाइंट्स थोड़ा सा जिटरी हुए, डीआईआई थोड़ा सा जिटरी हुआ, तो ये लेवल आपको 10,846, 10,865 के अंदर या इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। 10,700, 10,750 जहां पर 25.24 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 17.77 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 1.41 का पीसीआर है। ये रेंज आज मैंने 10,740, 10,780 नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस होता है, सबका अपना सोचने का तरीका होता है। मैंने आपको डिस्कस किया, मैं इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा से उतना मुझे मजा नहीं आया, तो 10,670, 10,740 मुझे लगता है बेहद मजबूत सपोर्ट है और इस रेंज के ऊपर ही आज क्लोजिंग रहेगी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं जाएगी, राइट। अगर ड्यूरिंग द डे एफआईआई ने अपनी पोजीशन मजबूत की इंडेक्स फ्यूचर्स में तो आपको 10,846, 10,865 के अंदर या उसके ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस जोन में 35 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट और केवल 9.65 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जो एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, राइट। सो ये समझने वाली बात है। 10,900, 10,950 ये एक ऐसा जोन है जहां पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, 10,901, 10,915 ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। कोई भी आज की डेट में एक ऊपर की तरफ लेवल यहां पर आता है, आपको एक छोटा सा एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, यहां पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। ड्यूरिंग द डे जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा 10,846, 10,865 के पास अगर मार्केट ट्रेड करने लगेगा तो आपको 10,700, 10,750 पे स्ट्रांग पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और ये नया बेस बनेगा। सेफर साइड 10,600, 10,650 की पुट राइटिंग आज बहुत ज्यादा तेज बढ़ेगी, अगर कोई भी मूव आता है 10,800 के ऊपर और सस्टेन होता है तो ये पीसीआर आपको 5 के लगभग जाता हुआ दिखेगा, तो यहां पर एक पुट राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट व्यू बनेगा। जो बेयरिश ट्रेडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं बेयर्स, वो 10,900, 10,950 पे कॉल राइटिंग करेंगे, क्योंकि वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि कहीं ना कहीं डीआईए ने स्टॉक फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस बढ़ाया, इंडेक्स फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस बढ़ाया है, थोड़ी सी बाइंग घटी है एफआईआई की कैश में, तो ये सारी चीजें वो ध्यान में रख करके यहां पर पुट राइट कॉल राइटिंग करेंगे।
और बेयर्स वैसे भी स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं तो होल्ड करेंगे इस कॉल राइटिंग को कल अगर ऊपर का मूव आता है तब तक जब तक कि एफआईआई कोई नेगेटिव डेटा देना शुरू ना करे। तो ये है ऑप्शन चेन का एनालिसिस। ओवरऑल ट्रेड सेटअप क्या देखने को आपको मिल रहा है, अब 10,530 10,580 का बेहद मजबूत बुल्स का बेस बन चुका है, ठीक है। अब ये बेस तोड़ना थोड़ा सा बेयर्स के लिए मुश्किल है जब तक कि एफआईआई का डेटा नेगेटिव ना होना शुरू हो जाए। 10,645 10,675 का बेहद मजबूत सपोर्ट है बुल्स का, अब बेस बन रहा है यहाँ पर। 10,670 10,740 का मजबूत सपोर्ट है और आज बुल्स डेज क्लोजिंग बेसिस पर इसके अंदर ये ऊपर ही क्लोजिंग देंगे, कोई दो राय नहीं इसके अंदर, कोई कोई सोचने की बात नहीं है। ड्यूरिंग द डे अगर डेटा अच्छा शेप अप होता है तो 10,846 10,865 का बेहद मजबूत रेजिस्टेंस है, लेकिन बुल्स आज इसके ऊपर है इसके अंदर क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकते हैं। आज मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं जितना मैं 6 जुलाई के लिए था, रीजन मैंने डिस्कस किया। 10,901 10,915 एक बेहद मजबूत रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, तो ये ओवरऑल डेटा शेप अप हुआ है। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि कई सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इतना ज्यादा मूव निफ्टी में क्यों आ रहा है, ना कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ना इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी अच्छी है इंडिया के अंदर अक्रॉस द ग्लोब, तो इतना सब मार्केट में बुलिश मूव्स क्यों आ रहे हैं। तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप समझिए। सभी जितने भी रिजर्व बैंक्स हैं अक्रॉस द ग्लोब वो करेंसी प्रिंट करते हैं, वो करेंसी मार्केट में आती है, उसकी एक परचेजिंग पावर होती है, उसके अगेंस्ट एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है इन्वेस्टर को। वो पैसा खाली नहीं रह सकता, या तो वो किसी बिजनेस में जाएगा या वो किसी इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में, बहुत ज्यादा कैश अवेलेबल है, वो कैश कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। तो वो कैश अभी आपको इक्विटी मार्केट चूंकि गिरा हुआ है एक अच्छे वैल्यूएशन पर है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर हैं, तो इसलिए वो पैसा इंडेक्स में भी आ रहा है, इंडेक्स के स्टॉक्स में भी आ रहा है और ब्रॉडर मार्केट में भी वो पैसा स्टॉक्स के अंदर आ रहा है। ये रीजन है क्यों ये डिफरेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं 2008 2014 के लगभग, जब 2008 के लगभग फॉल आया था उसके बाद इतना रिकवरी में टाइम लग गया था, रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हो गई है। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका है अक्रॉस द ग्लोब, जीडीपी देखिए कंट्रीज की 2008 में क्या थी आज क्या थी, किस तरह का करेंसी फ्लो उस वक्त था आज किस तरह का करेंसी फ्लो है मार्केट के अंदर, किस तरह के बिजनेसेस उस वक्त थे किस तरह के बिजनेसेस अब हैं, क्या पर कैपिटा इनकम 2008 में थी अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द कंट्रीज क्या आज है, क्या कंजम्पशन उस वक्त डिमांड थी कंजम्पशन की क्या इस वक्त कंजम्पशन की डिमांड है। तो ये सारी चीजें डिफर करती हैं, इस वजह से आपको उस मुझे लगता है आप उस टाइम फ्रेम से क्यों तो ले सकते हैं लेकिन उसको रेप्लिकेट होते हुए देखना वो थोड़ा सा ज्यादती होगी। उसको रेप्लिकेट होते हुए मत देखिए, सोचिए कि उसी तरह की चीजें बननी चाहिए तो वो शायद ना बने, इसलिए आपको रिकवरी थोड़ी सी फास्ट देखने को मिली है। हम लोग शरद मिशन एसोसिएट्स में रेगुलरली डेटा शेयर करते हैं, अगर आप हमारा 23 मार्च का व्यू देखेंगे तो हम लोग ने उस वक्त ही निफ्टी में बाय देना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग इकोनॉमी में बहुत बुलिश थे, हम लोग इंडेक्स ट्रेड कर रहे थे तो इंडेक्स का डेटा देख करके उसका एक व्यू दे रहे थे। तो थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट्स, थैंक्स फॉर बींग अ पार्ट ऑफ निफ्टी मॉर्निंग बेल विद शरद। I think that we are going beyond news and analyzing the data, and it's helping all the viewers who are actually viewing this video. Thank you. Take care.